छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के युवा नेता विनोद तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पीएमओ से की थी। बताया जा रहा है कि इस पर जांच भी शुरू हो गई है। डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोले हुए वहीं रमन सिंह ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में। सुर्खियों में रहने की वजह उनके बेटे अभिषेक सिंह हैं, जिनकी कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में है और अकाउंट एचएसबीसी बैंक में था। साल 2015 में एचएसबीसी बैंक में काले धन के अकाउंट का जो खुलासा हुआ था उसमें एक नाम अभिषेक सिंह का भी था, जिसका पता डॉक्टर रमन सिंह का घर था। इस मामले को सत्ता में आने के 1.5 साल बाद कांग्रेस ने उठाया है। कांग्रेस के युवा नेता विनोद तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पीएमओ से की है। शिकायत में पनामा से हुए खुलासे का भी जिक्र है। शिकायत पर पीएमओ मार्क करके संबंधित अधिकारी को वेरीफाई करने को कहा, जिसके बाद कांग्रेस सक्रिय हो गए। सत्ताधारी दल ने राजनीतिक दांव चलते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र से रमन सिंह और उनके परिवार की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग कर दी। रमन सिंह जी ने अपनी आय से कई गुना अधिक संपत्ति बनाई। हम मांग करते हैं कि रमन सिंह जी, वीणा सिंह जी और अभिषेक सिंह की संपत्ति की जांच हो। घोटालों का पैसा रमन सिंह जी के पास पहुंचता रहा, इसके हम अभी सबूत मुहैया कराने जा रहे हैं। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। रमन सिंह के मुताबिक वे कांग्रेस के पोल खोलते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उनकी संपत्ति तो सार्वजनिक है। उस आरोप को जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने कर चुका है, जहां भी आपने पिटीशन लगाया वहां से लौट जा गए। मेरी संपत्ति तो खुलेआम है। सरकार की बौखलाहट ये है कि सरकार के सारे गलत मामले अब जनता के सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस के निशाने पर हैं, लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, अगर उसके पास इसके पुख्ता प्रमाण है तो फिर भूपेश सरकार रमन सिंह पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ये आरोप राजनीतिक तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।